Hello friends, welcome to my YouTube channel Resni Classes. Today we will discuss on the topic biodiversity monitoring, and part two of this topic we will discuss methods for sampling fauna, means how can we sample the fauna or animal population for biodiversity monitoring. Friends, myself Dr. Resni Shrivastava, working as assistant professor in Banaras Hindu University. What is biodiversity?

बायोडाइवर्सिटी सिर्फ किसी स्पीज की वैरायटी और वेरेबलिटी ही नहीं है ये जेनेटिक मटेरियल की भी वैरायटी और वेरेबलिटी है वो कम्युनिटी या इकोसिस्टम की भी जहाँ से ये बिलोंग करता है बायोडावर्सिटी की मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है बायोडावर्सिटी बिकॉज बायोडावर्सिटी प्रोवाइड रिकॉर्ड टू ट्रैक ट्रेंड्स इन बायोडावर्सिटी ओवर टाइम एंड इज़ कैरीड आउट टू री नॉलेज ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम to raise public and political awareness of environmental issues and stimulate action through the reporting of these trends. Monitoring इसलिए जरूरी है ताकि हम ये पता कर सकें कि जो भी organism है या biodiversity का जो trend hai, whether it is increasing or decreasing या जो हम conservative measures use कर रहे हैं, वो effective है और अगर effective है, तो कितने हद तक effective है और इस monitoring की basis पे हम early warning सिस्टम भी अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अब आ जाते हैं फोनल सैम्पलिंग मेथड्स की या कौन कौन से फील्ड टेक्निक हैं जिनके थ्रू हम एनिमल्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं सैम्पल कर सकते हैं एनिमल्स को सो देर आर फोर बेसिक मेथड्स लाइक द मार्क रीकैप्चर्ड, रेडियो ट्रैकिंग रिमोट सेंसिंग टेरिटरी मैपिंग पॉइंट काउंट्स एंड ट्रांजेक्ट वट वट इज़ द बेसिक प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक् कलेक्शन इन फॉनल स्टडी सबसे पहले फॉर्नल स्टडी के लिए वी नीड फील्ड स्टडी और टेकिंग फोटोग्राफ्स जिस भी ऑर्गनज की या फोना की हमको मॉनिटरिंग करनी है हमें उसकी फ़ील्ड स्टडी के लिए जाना होगा या उसके फोटोग्राफ्स लेने होंगे उनकी बेसिस पे हम उस इंडिविजअल को या ऑर्गेज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी कैन गो फॉर क्वान्टिफिकेशन कि वो ऑर्गेज का नंबर कितना है उसकी डाइवर्सिटी कितनी है देन वी कैन डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइड एनिमल्स एंड आफ्टर द क्वान्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन वी गो फॉर एनालिसिस और बायोडोस्टी एनालिसिस की बेसिस पे ही हम बताएंगे क्या पर्टिकुलर ट्रेंड है बायोडास्टी का फॉर मॉनिटरिंग ऑफ फोनल पॉपुलेशन वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक इंसेक्ट नैट किलिंग जार्स फॉरसिवस वायल्स एनवल्स प्रिजर्वेटिव एस्पिरेटर्स बिटिंग अम्ब्रेलाज और शीट्स

इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड हाई रिकैप्चरिंग रेट इसमें सबसे पहले एनिमल्स को हम लोग कैप्चर करते हैं कैप्चर करने के बाद से उनको काउंट करते हैं उनकी टैगिंग कर देते हैं एंड देन उस एनिमल को रिलीज़ कर देते हैं यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस मैन इज दिस मैन हेज कैप्चर्ड दिस स्नैकने स्नैक को पकड़ा उसकी मार्किंग की टैगिंग की और देन उसको रिलीज़ कर दिया एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम या वो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वन वीक हो सकता है वन मंथ हो सकता है या वन ईयर हो सकता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन कैप्चर दैट एंड काउंट दीज एनिमल्स then प्रीवियसली tagged एनिमल्स आर काउंटेड एंड अनमार्क्ड organisms are मार्क्ड जो कुछ ऑर्गेज उसमें ऐसे भी मिलेंगे जो अनमार्क्ड रहेंगे हो सकता है वो न्यूली बॉर्न हो या वो एडज्वाइनिंग एरिया से माइग्रेट कर गए हों इन सारे पॉपुलेशन को उन सारे स्पचीज में भी उन सारे स्पचीज को भी काउंट करेंगे और फिर उनको मार कर देंगे अब लिनकॉन इंडेक्स की बेसिस पे हम लोग एबंडेंस कैलकुलेट करते हैं सो एबंडेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एन वन इंटू एन टू अपॉन एन थ्री एन वन मीन्स टोटल मार्क्ड आफ्टर कैच वन यानी पहली बार मान लीजिए कि हमने पकड़ा तो टेन इंडिविजुअल हमको स्नेक के मिले तो देन एंड वन इज़ द टेन इंडिविजुअल एंड टू टोटल मार्क्ड आफ्टर कैच टेकन कैच टू यानी कि जब दूसरी बार हमने सेकेंड टाइम कैच किया तो कितने इंडिविजुअल मिले फिफ्टीन मिले और फिफ्टीन को हमने मार करके छोड़ दिया पहली बार में दस मिले दूसरी बार में हमको पंद्रह मिले देन टोटल कैच इन कैच टू बट मार्क्ड इन कैच वन फिर उसके बाद से हम वो नंबर लिखते हैं जो कैच टू में टोटल इंडिविजुअल मिले थे लेकिन मार्क थे कैच वन में यानी कि पंद्रह इंडिविजुअल हमको टोटल मिले और उसमें से हो सकता आठ मार्क हों पांच जो होंगे पुराने वाले नए आ गए होंगे और उसमें से आठ पुराने वाले होंगे तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल हम लोग लेंगे नेक्स्ट मेथड इज़ कैमरा ट्रैपिंग मेथड कैमरा ट्रैपिंग एज अ सर्वे टूल फॉर मीडियम टू लार्ज एंड समाइम

इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं रिमोटली स्टेशनड मोशनड कैमरा लेते हैं ये हीट सेंसिटिव कैमरा हीट इन सेंसिटिव कैमरा होना चाहिए यानी कि हीट का इफेक्ट इस पर ना हो बारिश का इफेक्ट ना हो देखिए यहाँ पे इस पर शल्टर भी लगाते हैं इस बार पे यहाँ पे कैमरा फिक्स किया गया है एंड एट नाइट इन्फ्रा रेड फ्लैश फोटोग्राफी दैट इज़ नॉट विजिबल टू एनिमल्स कैन बी यूज टू मिनिमाइज स्टार्टलिंग द एनिमल्स विदाउट दी विद इन द कैमरा जोन ये सारी इसके स्पेसिफिकेशन है इस तरह के कैमरा होने चाहिए कैमरा के लिए देन नेक्स्ट मेथड इज़ द रेडियो ट्रैकिंग मेथड्स एंड दिस इन्वॉल्व अटैचिंग अ स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर टू द एनिमल्स एंड फॉलोइंग द सिग्नल विथ अ आरडीएफ रिसीवर यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम एस जो आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क है यहाँ पे वुल्फ की मॉनिटरिंग के लिए रेडियो ट्रैकर जो है इसके कॉलर में फिक्स किया गया सेम वे में द जी पी एस बेस्ट सेटेलाइट ट्रांसमीटर इस क्रोकोडाइल में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में फ़िक्स किया गया है बर्ड्स uh, में ये देखिए ये छोटा सा ट्रांसमीटर फिक्स किया जा रहा है सो दिस इज़ अ सोफेस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्निक यूज यू सेटेलाइट टू ट्रैक टैग एनिमल्स एंड जी पी एस टैग विच कीप्स अ लॉक टू लोकेशन और इसके थ्रू हम जो है माइग्रेशन भी ट्रैक कर सकते हैं कि ये एनिमल माइग्रेट होकर के अब आ जाते हैं फोनल सैम्पलिंग मेथड्स की या कौन कौन से फील्ड टेक्निक हैं जिनके थ्रू हम एनिमल्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं सैम्पल कर सकते हैं एनिमल्स को सो देर आर फोर बेसिक मेथड्स लाइक द मार्क री रेडियो ट्रैक नेक्स्ट इज टेरिटरी मैपिंग पॉइंट काउंट एंड ट्रांजेक्ट मैथड

स्पॉट मैपिंग या टेरिटरी मैपिंग में हम एवियन पॉपुलेशन की डेंसिटी को मैप कर सकते हैं स्पेशली उनकी टेरिटरी एरिया में टेरिटरी बाउंड्री में जा कर के उनको मैप कर सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को देख करके उनको मैप कर सकते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में उनके कितने एग सर्वाइव कर रहे हैं कितने उनके बर्ड्स हैं कितने उनके स्मॉल बेबीज़ हैं इनकी बेसिस पे हम

जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रास ऊपर एंड बिटल्स उनको हैंड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं बट ये मेथड जो है पॉइजनस और डेंजरस इंसेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता है सेकेंड इज़ द नेट कलेक्शन मैथड्स दो तरह के नेट के थ्रू हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट इज़ द एरियल नेट यूज फॉर एक्टिव फ्लायर्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स एंड दिस नेट इज़ वेरी लाइट वेटेड सेकेंड इज द स्वेप नेट स्वेप नेट इज़ सुटेबल फॉर कलेक्टिंग ग्रास ऊपर एंड लीफ ऊपर्स and other insects and this net is comparatively heavier than aerial net then other methods like the traps aspirator and beatings were used for insects collections you can see here in the uh, after collection of uh, hand collection this insect preserved in wet, preservat wet preservations. Uh, you can see here through aerial uh, net uh, and butterflies on mo our moths were collected moths are collected and after collection, insects preserved in insect cabinet box. The next method is camera trapping method. Uh, camera trapping as a survey tool for medium to large and sometimes also smaller terrestrial mammals and birds has become increasingly common over recent years. सो कैमरा ट्रैपिंग बहुत ही यूजफुल है मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली जो नॉक्टोर्नल यूनिमल्स हैं या वाइड रेंजिंग एनिमल्स एनिमल्सिज हैं दैट दैट आर अदरवाइज हार्ड टू डिटेक्ट उनके लिए कैमरा ट्रैपिंग मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं रिमोटली स्टेशनड मोशनड कैमरा लेते हैं ये हीट सेंसिटिव कैमरा हीट इनसेंसिटिव कैमरा होना चाहिए यानी कि हीट का इफेक्ट इस पर ना हो बारिश का इफेक्ट ना हो देखिए यहाँ पे इस पर शेल्टर भी लगाते हैं इस बार्क पे यहाँ पे कैमरा फिक्स किया गया है एंड एट नाइट इन्फ्रा रेड फ्लैश फोटोग्राफी दैट इज़ नॉट विजिबल टू एनिमल्स कैन बी यूज टू मिनिमाइज़ स्टार्टलिंग द एनिमल्स विदाउट विद इन दी कैमरा जोन ये सारी इसके स्पेसिफिकेशन है इस तरह के कैमरा होने चाहिए कैमरा बायोडावर्सिटी की मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है बायोडावर्सिटी बिकॉज बायोडावर्सिटी प्रोवाइड रिकॉर्ड टू ट्रैक ट्रेंड्स इन बायोडावर्सिटी ओवर टाइम एंड इज कैरीड आउट टू री इन्फोर्स नॉलेज ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम टू रेज पब्लिक एंड पोलिटिकल अवेयरनेस ऑफ एन्वायरमेंटल इशूज़ एंड एस्टिमुलेट एक्शन थ्रू द रिपोर्टिंग ऑफ दीज ट्रेंड्स मोनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये पता कर सकें कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या बायोडावर्सिटी का जो ट्रेंड है वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या जो हम कंजरवेटिव मेजर्स यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्टिव है और अगर इफेक्टिव है तो कितने हद तक इफ़ेक्टिव है और इस मोनिटरिंग की बेसिस पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज द एस्पिरेटर एस्पिरेटर इज यूज फॉर कैप्चरिंग स्मॉल इंसेक्ट्स एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटर ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ़ इट्स इन्वेंटर विलियम पोज बीटिंग बीटिंग अम्ब्रेला वॉज यूज एज अ शीट बिनि द वेजिटेशन और बुसेज बीटिंग का मतलब पीट पीट के जो है वेजिटेशन या बुसेज के नीचे इंसेक्ट्स को या स्पाइडर्स को कलेक्ट करना एंड अपॉन बीटिंग द वेजिटेशन बुशेज फ्राम टॉप द इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स वे आर कलेक्टेड इन द बीटिंग शीट और अम्ब्रेला प्लेस्ड अंडर इथ एंड दे आर आफ्टर द इंसेक्ट्स आर पिकडअ अप बाई हैंड आर ट्रांसफर्ड इन टू केलिंग जार स्पाइडर कैन बी कलेक्टेड थ्रू हैंड कलेक्शन pitfall trap, beating and burlesque funnel as uh, mentioned in previous slides and after collection the spiders were placed in hood solution for identification. Fishes were collected by water body us by using local fishing gears from different sampling stations and uh, sa fishes collected during pre monsoon, monsoon and pre monsoon season. एम्फीबियंस दो बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्टियल एम्फीवियंस सर्वे कैन भी डन इन नाइन और इन डे और एम्फीबियंस के सर्च के लिए जो हम उनके स्पेसिफाइड हैबिटाइट में जाते हैं लाइक अंडर द लॉग या स्टोन्स या सॉयल को डिक करके लेटर को डिक करके या स्मॉल पोसेस के पास से उनको लेते हैं और उनको मोनिटरिंग एंड सर्वे के लिए यूज़ करते हैं देर इज़ ऑल्सो अ टार्च काउंट मैथड फॉर एक्वेटिक फ्रॉक और पिटफॉल ट्रैप मैथड फॉर टेरेस्ट्रियल फ्रॉग, वोकल साउंड और फोटोग्राफ्स के बेसिस पे भी हम इम्फीवियंस को आइडेंटिफाईड करते हैं कि कौन सा एम्स हैक्स्ट मेथड इज़ मॉनिटरिंग ऑफ रैपटाइल्स रैपटाइल्स को हम स्टैंड स्टैंडर्ड वॉक ट्रांजेक्ट के थ्रू या विजुअल इनकाउंटर सर्वे के थ्रू भी कर सकते हैं और पिटफॉल ट्रैप के थ्रू भी कर सकते हैं यू कैन सी हियर विद दी हेल्प ऑफ दीज स्टिक्स जो कर्व आगे से है इस्टिक इस की मदद से हम लीव लेटर्स को हटाते हैं और यहाँ पे इंसेक्ट्स या रेप्टाइल रेप्टाइल्स जो होते हैं जो आ, आपके हरपेटोफोना होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं सो द विजुअल इनकाउंटर मेथड कैन बी यूज फॉर सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स और थ्रू फोटोग्राफ्स वी कैन सर्वे रेप्टाइल्स और थ्रू वॉक अलॉन्ग अ ट्रांजेक्ट दीज मैथड्स वी कैन यूज़ फॉर सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स फॉर बर्ड सैम्पलिंग We can go for line transact methods or point count method or object and opportunistic word sighting. By using uh, birds' vocal sounds and photographs, the species were identified in consultation with arthenology. What is biodiversity and how biodiversity is important for us? These things we have already discussed in our part 1st lecture monitoring of flora. So, biodiversity means variety and variability of organisms.

और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके एक्सपर्ट के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको क्लासीफाई करते हैं और कॉल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से उसको मैच करा करके कौन सा इंडिविजुअल है ये पता लगाते हैं इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ ऑडियो मॉथ रिकॉर्डिंग डिवाइस अटैच ऑन द ट्री बार्क और जब इसे हाथ से साउंड रिकॉर्डिंग हो गई तो साउंड लाइब्रेरी में आ करके उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी को पिच को मैच कराते हैं और उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं वेदर इज अ बर्ड वॉक रेप्टाइल्स और एमफीबियंस जू प्लैंकटॉन्स सर्वे के लिए जैसे प्रोटोजोआ है रोटिफर्स है इमेच्योर माइक्रोक्रस्टेशियंस है इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कंपोजिट सैम्पलिंग रेफर किया है ओवर डेथ एंड टाइम एंड बॉटल सैम्पलर्स आर सुटेबल स्पेसली फॉर डिस्क्रीट डेथ सैम्पल्स ये देखिए ये जू प्लैंगटॉन सर्वे का डाइग्राम है मानसून सीजन एम्फीवियंस दो बोथ इक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्टियल एफीवियंस सर्वे कैन भी डन इन नाइन और इन डेथ और एम्फीबियंस के सर्च के लिए जो हम उनके स्पेसिफाइड हैबिटेट में जाते हैं लाइक अंडर द लॉग या स्टोन्स या सॉइल को डिक करके लेटर को डिक करके या स्मॉल पोसेस के पास से उनको लेते हैं और उनको मॉनिटरिंग एंड सर्वे के लिए यूज़ करते हैं देर इज़ ऑल्सो अ टार्ज काउंट मैथड फॉर एक्वेटिक फ्रॉक और पिटफॉल ट्रैप मैथड एंड आफ्टर काउंटिंग और मॉनिटरिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी कैन कैलकुलेट्स These species density, coverage, frequency, biomass, and diversity. And after doing all these, we will finish our monitoring program of fauna. So, thank you so much. If you really like this video, kindly like, share, and subscribe my YouTube channel, Rajni Classes. Thank you. Thank you so much.